दिखा दो लाइव चल रहा है देखो, एक वीडियो कॉल चल रहा है और कैमरा चल रहा है देखो, एक कैमरा चल रहा है और एक पीछे चल रहा है, इधर गुरु जी हमें सजा रहे हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी इच्छा है गुरु जी की जो पूरी करने वाले, तो भाई देखते हैं अभी वीडियो के साथ बने रहिए। ये हो गया, ये कौन सी माला है? ये रुद्राक्ष वाली है, जिसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं धारण किया था और आज ये हमारे भक्तराज जो है ना इसको धारण कर रहे हैं। कैसे लग रहा है भाई गुरु और चेला? अच्छा एक बात पूछना चाहूंगा गुरु जी, मैं तो पहले से आपको गुरु बोलते हैं, लेकिन कभी आपने ये जो सिस्टम है आपने मुझे शिष्य के रूप में बनाया है, अभी इससे पहले किसी और को ही बनाया, मुझे बनाया है, बस ये सवाल है। आपको ही बनाया दिल से? दिल से एकदम दिल से, भरोसा नहीं वाला? कैसी बात कर रहे हैं, यकीन दिलाओ। हाँ बिल्कुल यकीन दिला रहे, इनको दिल से बनाया। सुबह मैं इनकी दुकान पे गया था और ढूंढते ढूंढते 3 साल के बाद तो मैं इनको ढूंढ पाया था, और आज जब मैं इनकी दुकान पे पहुंचा तो मैंने इनसे आग्रह किया था कि आप हमारे यहाँ पर कुटी पर आएंगे और हमारे एक ही फोन पे हमारी कुटी पर आए जनाब, और ये भी सब प्रभु की इच्छा है, इसमें भी कुछ अच्छा ही अच्छा होना है जनाब। भाई गुरु जी का जो है सुबह ही मैंने आईडी जो है सेटिंग किया था पूरा फेसबुक का, यही ना जो आपने वीडियो में देखा होगा भाई, ये तो मेरा दूसरा वीडियो, शाम को ही गुरुजी ने मुझे बुला लिया, पहला वीडियो डाला था, पहले ही वीडियो पे ऐसा रिस्पांस आया कि कितना चला है न्यू ऑडियंस के लिए, न्यू क्रिएटर के लिए। भाई पहला वीडियो अगर डालते हो और आपका 11-12 चल जाए तो भाई हमारे लिए तो बहुत है, क्योंकि जब हम वीडियो डालते थे ना पहले तो यार क्या सोचते थे, 10 व्यूज आए या चली नहीं हमारी वीडियो, 20 व्यूज आए, 100 व्यूज आ जाते तो बहुत खुशी होती थी, क्योंकि वो हमारे लिए कभी हमने ये देखा ही नहीं है कि कैसे होता है, तो 100 व्यूज हमारे लिए 1 लाख के बराबर होते थे। ऐसी गुरुजी को इतना खुशी मिली है भाई, कितना खुशी बन गई इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है, हृदय में स्थान दिया, हृदय में लोग चरणों में स्थान देते हैं, हमने इनको हृदय में स्थान दिया जी। और गुरु जी की इच्छा थी कि ये रूप धारण करके मैं एक वीडियो बनाऊं, आप गुरु जी इनको अपने बराबर में स्थान देते हैं जी जी, आप बिठाते हैं ना, ये सब गुरु जी की इच्छा थी, मेरे को पता नहीं था कि ये सब होने वाला है, गुरु जी ने बुलाया मैं आया, और गुरु जी की खुशी के लिए सब कुछ अच्छा है। ये रियल है? ये रियल है, मैंने सन 2020 में कोरोना काल लगा था, 24 जनवरी 2020 से लेके और 24 जनवरी 2021 तक मैंने 1 साल के लिए अन्न का, नमक का, ब्रश का, इन सब का त्याग किया, और त्याग करने के बाद केवल पत्ते खाकर ही मैंने तप किया था जनाब। लोग ये कह रहे थे गुरुजी कोरोना काल में गुरुजी की इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगी तो गुरुजी निकल लेंगे, गुरुजी तो निकल लेंगे, लेकिन गुरुजी नहीं निकले, क्योंकि प्रभु ने हमको पहले से ही संकेत दे दिया था कि बेटे इस समय से ही आप त्याग कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने तक आपको वैसे ही त्याग करना पड़ेगा, लोग परेशान होंगे, लोगों को कुछ खाने पीने को तो मिलेगा नहीं, बाहर निकलना बैठना पड़ेगा। आपने सोचा तो मैं त्याग पत्री का दिया था कुछ है? एक साल तक केवल हमने पत्ते केवल इस्तेमाल किए थे, ये रियल जो है 22 साल मुझे हो गई बाहर की सारी चीजों का त्याग कर भी, बाहर की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, नमकीन हो, बिस्कुट हो, चाट हो, पकौड़ी हो, मिष्ठान हो, किसी चीज से हमको कोई लेना देना नहीं है, और सारी चीजों का मैंने त्याग कर रखा। 22% हो गए, अगर मैं बाहर कहीं जाता हूँ तो अपना कमंडल लेके चलता हूँ, और गुरुदेव का आज्ञा है कि अगर बाहर कहीं अगर आपके भोजन की अगर व्यवस्था नहीं है तो आप जो है ना सरकारी नल का जल गाय का दूध समझ कर पी लीजिए और आपको पूरी एनर्जी मिलती है। तो मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकारी नल का जल गाय का दूध समझ कर 1 लीटर भरता हूँ और जिससे पूरी एनर्जी मिल जाती है, मिल जाती है। उसका कारण क्या है कि यदि आपने अक्सर देखा होगा कि दूध वाला आपको दूध देने आता है और उससे अक्सर कहते हैं कि साहब आप हमारे दूध में पानी मिला रहे हैं, तो आप उसको प्योर दूध दे रहा है और आप उसको आपके दिल में संशय हो गया कि पानी मिला के दे रहा है, तो आपको ताकत नहीं मिलती है क्योंकि आप उसे पानी समझ कर पी रहे हो। और प्रभु जी कहते हैं कि यदि आप पानी को या जल को यदि आप दूध समझ के पियेंगे तो आपको भरपूर ताकत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपका छोटा भाई आपका बड़ा भाई है, आपके साथ चल रहा है, बड़े भाई में आपसे ताकत कम है, लेकिन आपके अंदर से आत्मा जो ने ये स्वीकार कर लिया कि हमारा बड़ा भाई जो है ना वो हमसे ताकत में ज्यादा है और इसके रहते हुए हमें कोई कष्ट नहीं हो सकता, तो आप अपने से बड़े व्यक्ति से आप लड़ने में सक्षम हो जाएंगे, आप उससे
लड़ने में सक्षम हो जाए। आपने गांव में देखा है खेत में कभी कभी धोखा खड़ा कर देते हैं, कर देते हैं, तो उस धोखे को आप मनुष्य समझकर भयभीत हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ मेरे लिए मारने के लिए। जब धोखा को मनुष्य समझकर आप भयभीत हो सकते हैं तो आप जल को दूध समझ के क्यों नहीं पी सकते हैं? अगर आप जल को दूध समझ कर पियेंगे तो आपको पूरी एनर्जी मिलेगी। और बताएं तो भैया, ये है गुरुजी और ये गुरुजी की पूरी फैमिली है जो कि आप चैनल देख रहे हैं। ये ऊपर प्रोफाइल है गुरुजी की जो 2600 फॉलोवर है। तो पहला वीडियो भी पड़ा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो गुरुजी के लिए और आगे से आगे बढ़े जो है गुरु, और आगे बढ़े। तो भाई गुरु तो गुरु होते हैं, चेला तो चेला होते हैं भाई, पीछे होते हैं। एक चेला पीछे, एक चेला इधर, गुरु जी बीच में है, बीच में है फैमिली। तो भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो और इस पेज और प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और